हेलो दोस्तों, आप अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी एक्सिस म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल वेबसाइट axismf.com में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम चला जाएंगे अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे गूगल खोल रखा हूँ। तो गूगल पे हम सर्च करेंगे एक वेबसाइट axismf.com, जो ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वो सर्च कर लेंगे। इसके बाद जो पहला सर्च रिजल्ट आ रखा है एक्सिस म्यूचुअल फंड इंडिया इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यह हमारे को axismf.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलेगा। एक ऑप्शन न्यू इन्वेस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एकदम कॉर्नर में दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा और पैन नंबर एंटर करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज करना होगा जो पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वहां पे चला जाएगा, उसको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ऐसे एक पेज नजर आएगा, आपको केवाईसी वेरिफिकेशन पहले करना पड़ेगा। अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड नहीं है, मैं ऑलरेडी दूसरा म्यूचुअल फंड खोल के रखा हूँ जहाँ पे मेरा केवाईसी वेरीफाइड है और मेरा डीमैट अकाउंट भी है, इसलिए मेरा केवाईसी वेरीफाइड दिखा दे रहा है। आपका अगर ऐसे नहीं दिखाई देगा, आधार ओटीपी के माध्यम से आप केवाईसी वेरीफाई करवा सकते हैं और उस सिस्टम को अपना के आप केवाईसी वेरीफाई करना होगा। फिर आपका कंट्री ऑफ बर्थ, वो ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड आ रखा है, आपका नहीं आ रखा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर आर यू पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, वो नहीं है, नो में सिलेक्टेड है। फिर मैं ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, प्रोफेशनल के जगह सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे आपका जो एनुअल इनकम वो सिलेक्ट करना होगा, मेरा पास से 10 लाख के अंदर है एनुअल इनकम, इसलिए उसे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो तीनों एक्सेप्शन है आपको एक्सेप्ट करना होगा, टिक करना होगा और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद इस पेज में आपको नॉमिनेशन डिटेल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप नॉमिनी देना नहीं चाहते हैं तो आई हेयर बाय कन्फर्म, इसके ऊपर टिक करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी देना चाहते हैं तो नीचे नॉमिनेशन लिखना पड़ेगा। मैं अभी नीचे नॉमिनी का नाम वगैरह लिखेंगे, मैं मेरा अपना मिसेस का मिसेस को नॉमिनी डालेंगे। और इधर देखिए मिस्टर मिसेस यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें नाम लिखना पड़ेगा एज पर पैन, उनका नॉमिनी का पैन कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ इसे लिखना पड़ेगा। उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, आपका साथ रिलेशन जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर उनका देना डालना पड़ेगा और एलोकेशन आप कितना परसेंटेज आप अपना नॉमिनी को देना चाहते हैं। अगर 2-3 नॉमिनी होता है तो आपको उसको बांट के देना पड़ेगा, जैसे 50% प्लस 50% ऐसे दे सकता है। तो मैं एक ही नॉमिनी रखूंगा, इसलिए एलोकेशन में 100 लिखेंगे। अभी ये चीज फिल कर लेता हूं मैं। अभी देखिए नॉमिनी डिटेल्स में फिल कर चुका हूं। अगर नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस के साथ सेम है तो सेम एज फर्स्ट एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना होगा, परमानेंट एड्रेस के नीचे। अगर आपने नया एड्रेस एंटर करना चाहते हैं तो उस ट्रिक को यहाँ से हटाना पड़ेगा और नया एड्रेस लिखना पड़ेगा। मेरा जो अपना एड्रेस है उसमें थोड़ा सा गलती है, केवाईसी में थोड़ा गलती था, तो इसलिए यहाँ पे नया एड्रेस मैं करेक्शन करके लिख दूंगा। अभी मेरा एड्रेस वगैरह सब डाल दिया हूँ, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स लिखना पड़ेगा, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा IFSC कोड से। और सेविंग टाइप, जो अकाउंट का टाइप है सेविंग करेंट, वो सब सिलेक्ट करना होगा। फिर आई कंफर्म, इसके ऊपर टिक करना होगा। मैं फिलहाल ये सब चीजें डाल लेता हूँ, अभी बैंक डिटेल्स में डाल चुका हूँ। फिर आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करके नीचे आ जाऊंगा। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट है, इसमें अगर डालना चाहते हैं डीमैट अकाउंट का डिटेल्स आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो एड बैंक अकाउंट के ऊपर हम क्लिक कर, एड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट फोलियो के ऊपर, एड बैंक एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो एड हो जाएगा। फिर क्रिएट फोलियो के ऊपर क्लिक करना होगा। क्रिएट फोलियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक पेज में लेके आएगा। आप यहाँ से अपना जो जिस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, वो सिलेक्ट कर सकता है। पेज को अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे व्यू ऑल स्कीम्स, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप सारे के सारा स्कीम के बारे में देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अभी, मैं जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका नाम है एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड, तो वो यहाँ पे सर्च करेंगे। अब देखिए एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप इन्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इन्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे पेज नजर आएगा, आप SIP में करना चाहते हो तो SIP, लमसम में करना चाहते हो तो लमसम के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर ये पेज नजर आएगा, आप सारा सब कुछ सीख है तो अगर चेंज नहीं करना है तो कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अमाउंट डालना पड़ेगा, हर मंथ कितना आप अमाउंट डालना चाहते हैं। ये 5,000 सिलेक्टेड आया है, लेकिन मैं 5,000 को काट के यहाँ पे 1,000 लिखना चाहूंगा, 1,000 अमाउंट लिखेंगे। नीचे आप आ जाएगा तो आप किस डेट में हर महीना पैसा कटवाना चाहते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चीजें है उसको सिलेक्ट करना होगा। मैं 3 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो अभी सिलेक्ट करूंगा तो अगले महीने का 3 तारीख से ही ये स्टार्ट होगा। तो अगले महीने 3 तारीख से 3 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। एड टू कार्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर अभी फर्स्ट पेमेंट को करना चाहते हैं तो भी आई वांट टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट राइट अवे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन वो करने के बाद भी आपका जो यूएनएन है SIP का, तो यूएनएन को जेनरेट करना पड़ेगा और बैंक के साथ लिंक करना ही होगा। तो हम अभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फिर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जेनरेट यूएनएन नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारे सामने एक यूएनएन नंबर जेनरेट होगा जो कि हम अपना बैंक का साइट में जाके उसे डालना पड़ेगा। और फिर देखिए आप अभी देखिए आपके सामने ये यूएनएन नंबर दिखाई दे रहा है। अभी हम SBI के साथ लिंक कर रहा हूँ ये SIP को, तो हम SBI में जाके बिलर में ये ऐड करना होगा। अभी मैं SBI का वेबसाइट में चला जाता हूँ और लॉगिन हो लेता हूँ। SBI इंटरनेट बैंकिंग में मैं लॉगिन हो चुका हूँ, फिर बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैनेज बिलर एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैनेज बिलर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो फ्यू में ऑलरेडी मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो दिखाई दे रहा है, बिलर है वो दिखाई दे रहा है, फिर एड के ऊपर क्लिक करेंगे। एड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बिलर का नाम सिलेक्ट करना होगा। तो इस यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं बिलर का नाम एक्सिस म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूंगा। तीसरे नंबर पे एक्सिस म्यूचुअल फंड है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर गो बटन के ऊपर क्लिक कर देता है। गो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म सा खुल गया नीचे, और यहाँ पे एक निकनेम देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है इसलिए मैं एक्सिस नाम से एक नाम दे देता हूँ निकनेम। ये है URN नंबर जो जनरेट हुआ था, तो उसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी होने के बाद यहाँ पे यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इस ऑप्शन के ऊपर पेस्ट कर दूंगा, फिर ऑटो पे के ऑप्शन के ऊपर यस कर दूंगा, और ऑटो पे अमाउंट जो है लिमिट है वो 1,000 रुपया डाल दूंगा, और फिर अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एक पॉपअप मैसेज आपके सामने शो कर रहा है, ये इसको ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वो ही बता रहा था कि आप अगर जिस टाइम में आपको पैसा कटना होगा उस टाइम में आपका अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस रहना चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके में क्लिक करने के बाद एक OTP आपका बैंक के साथ जो लिंक है मोबाइल नंबर उसमें चला जाएगा, फिर इसको डाल के कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म हो गया, आप अभी अपना जो एक्सिस बैंक का जो बिलर है ऐड कर चुके हैं, आपका पास मैसेज भी आ जाएगा, वो एनेबल होने के बाद मैसेज भी आ जाएगा। अभी म्यूचुअल फंड का जो साइट में फिर आ गया, हम नीचे आ जाता हूँ और गो टू होम पेज उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं तो गो टू बैंक वेबसाइट यहाँ से जाके भी आप अपना बिलर ऐड करा सकते थे। तो अभी गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक करके हम इसका होम पेज में चला जाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे लॉगिन करना है, आपको अगर लॉगिन करके आपका डिटेल्स देखना है इस पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर आपको एक लॉगिन बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो अभी देखिए सा कॉर्नर में लॉगिन बटन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भायापन हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना पैन नंबर लिखेंगे, और एक पैन नंबर लिखने के बाद जेनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। एक OTP आपका मोबाइल में चला जाएगा जो पैन के साथ लिंक है, तो इसमें डालना पड़ेगा, और डालने के बाद आप लॉगिन हो सकते हो। लॉगिन होकर आपका अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एक्टिवेट होने में कम से कम 21 दिन टाइम लग जाएगा, मतलब अभी मैं 1 जनवरी को इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो अगले महीने का 3 तारीख को ही मेरा SIP स्टार्ट होगा।
21 दिन के बाद जैसे ही आपका म्यूचुअल फंड को अलॉट होगा, आपका जो पोलियो नंबर जेनरेट होगा, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। आप तो भी आपका म्यूचुअल फंड का डिटेल्स axismf.com में भी देख सकते हैं और एक्सिस बैंक का जो म्यूचुअल फंड का मोबाइल ऐप है वहां पे भी लॉगिन होकर देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप axismf.com में जाके आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पता लग गया होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।